It's fine. Don't you think mortal lack gun power? I think his biggest advantage is the fact that he's very willing to talk about and accept where he lacks. I mean, जो लेवल का प्लेयर है वो या जो लेवल का सक्सेस उसके पास है, आई यूजली वुडेंट एक्सपेक्ट समबडी सो ओपन टू क्रिटिसिज्म एज मच एज ही इज. आई थिंक दैट इज हिज बिगेस्ट एडवांटेज कि ही नोज दैट कोई कोई जगहों पे ही इज जस्ट नॉट गुड इनफ, बट ही इज ऑल्सो वेरी वेरी विलिंग टू वर्क 10x हार्डर ऑन दोज डिपार्टमेंट्स. दिस इज आई थिंक अ ग्रेट क्वालिटी. Don't you think Sol and OR should communicate and decide drop clash in both Erangel and Miramar? I think that would be a disgusting thing to do. It's a game. Communicating and deciding कि आप वहाँ जाओ मैं यहाँ जाता हूँ is not integrity. Comparative integrity नहीं है उसमें कोई. जो हो रहा है गेम में होना चाहिए, गेम के बाहर ये सब डिस्कशन नहीं होने चाहिए. टीम सोल सही थी कि मैच शुरू होने से पहले ये चीज मैंने आपको बताई कि कुछ ना कुछ तो चेंजेस सब कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इम्प्रोवाइजेशन हर टीम को चाहिए रहते हैं, बिकॉज यू कैन नॉट फॉलो द सेम पैटर्न एवरी डे. अगर आप सेम पैटर्न रोज करते रहेंगे तो मेरे ख्याल से रिजल्ट्स भी सेम आने शुरू हो जाएंगे, और अगर चीजें फेवर में नहीं जा रही है तो सम चेंजेस आर गुड. टीम सोल नहीं गई है वाटर सिटी, एक स्प्लिट वहां पर देखा जा रहा है. मॉडल आपको एक अलग दिशा में मिलेगी. देखिए वाटर सिटी में एक भी प्लेयर नहीं है, और कुछ दिन पहले स्क्रिम्स में आई थिंक स्पीरो हमने ये चीज चेकआउट करी थी, वो जो बरमूडा ट्रायंगल वाली जो स्ट्रेटजी थी. आई थिंक आज टीम सोल कुछ वैसा ही कर रही है, बट इसका एक डिसएडवांटेज भी है. पहले ही यहां पर इतनी लूट नहीं मिल रही थी, अब और छोटे छोटे कंपाउंड्स पर स्प्लिट हो चुके हैं टीम सोल के प्लेयर्स, और यहां से लूट थोड़ी सी और स्ट्रगल हो सकती है.